अब आप भी अपने घर को रोशन कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसे स्टाइल कर सकते हो, वो भी जीरो बजट में। सो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहां मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा क्लासी मॉडर्न एंड ट्रेंडी बेड साइड टेबल लैम्प। इस लैम्प को अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो प्राइस आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे लैम्प आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हो, वो भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। सो ट्रस्ट मी गाइज, यू गोना लव दिस वीडियो। लेकिन मेरे इस लैम्प को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने मंगवाया है ये न्यू कंसेप्ट वाला एलईडी बल्ब फ्रॉम बुलबुल ऐप। ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो शॉपिंग ऐप है। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो इस बल्ब की क्या खासियत है, मैंने इसे क्यों मंगवाया है, ये जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फॉलोइंग विद द बेल आइकन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। As usual, सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर शेप में कार्डबोर्ड्स कट करने हैं। यहाँ मैंने 24x13 सेंटीमीटर के टोटल 8 कार्डबोर्ड्स रेडी किए हैं। अब लैम्प के बेस को थोड़ा मजबूत करने के लिए और इसे सफिशिएंट हाइट देने के लिए मैं इन थर्मोकॉल शीट्स को भी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास भी ऐसे शीट्स पड़े हैं और इनके कंपेरिजन में कार्डबोर्ड्स कम हैं, तो आप इन्हें सैंडविच के तरीके कार्डबोर्ड के बीचों बीच प्लेस कर सकते हैं। और बेस के हाइट को इंक्रीज करने के साथ साथ इस तरीके से आप वेस्ट थर्मोकॉल शीट्स को भी एनी टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सेम इसी प्रोसीजर को यूज़ करके मैंने 15x9 सेंटीमीटर के एक और लेयरिंग रेडी किए हैं, जस्ट टू लिफ्ट अप द लैम्प लिटिल बिट मोर, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। अब चूंकि हमें वायर पास कराना है, तो इसके लिए आप चाहें तो पीवीसी पाइप ले सकते हो, प्लास्टिक ट्यूब ले सकते हो, लेकिन चूंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके का कर्टन रॉड ले रही हूँ, जिसे मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट करवाया है। इस रॉड का बेसिक हाइट 46 सेंटीमीटर है, विच इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसे चूंकि हमें इस बेस में इंसर्ट करना है, इसलिए सारे कार्डबोर्ड्स और थर्मोकॉल शीट्स को आपस में पेस्ट करने से पहले इसके डायमीटर को मैं मार्क कर लूँगी और एक एक करके सारे सर्कल्स को कार्डबोर्ड से अलग कर लूँगी। नाउ पेस्ट ऑल द कार्डबोर्ड्स एंड थर्मोकॉल शीट्स टुगेदर टू फॉर्म 2 स्ट्रॉन्ग लेयर्स ऑफ सैंडविचेस। अब मैं चूंकि आउल शेप लैम्प बनाने वाली हूँ, तो मुझे बनाना है बेस के जस्ट ऊपर छोटा सा आउल। तो इसके लिए आप रफ पेपर या न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसे क्रश कर लीजिए और रॉड के चारों तरफ रैप करते हुए आउल का बॉडी और हेड का रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। दोस्तों, आप यहाँ आउल के अलावा कोई और फिगरिन भी चूज़ कर सकते हैं। ईदर यू कैन चूज़ अफ्रीकन लेडी, एलिफेंट, बर्ड्स और एनी शॉर्ट्स ऑफ शेप्स, जो भी आपको सिंपल लगे, आप इसी प्रोसेस को यूज़ करके बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और कॉम्पैक्ट और स्टिफ करने के लिए, इसे टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल टाइटली इसके ऊपर रैप करते जाएं और एक थिक फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड लेके आउल के आईज और विंग्स कट करके पेस्ट कर लें। सो हियर इट इज़, आउल का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे कवर करने के लिए मैं पेपर मैशे यहाँ यूज़ करूँगी।
ये मेशे आपको व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे मैंने वेस्ट A4 साइज पेपर से बनाया है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन 1 कैरेट के बदले मैंने यहाँ सिंपल नॉर्मल वाइट पेपर का यूज़ किया है। तो अगर आप लोगों को पेपर मैशे का पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, पेपर मैशे सूखने के बाद ये अच्छा खासा हैवी हो गया है, लेकिन अगर आप इसे वाटर रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इधर इसे POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर वाइट सीमेंट से कवर करना होगा। तो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक का पेस्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके ऊपर सिंपली वाइट सीमेंट का जरा सा पाउडर स्प्रेड करूंगी और पानी यूज करते हुए पूरे बेस को इससे कोट करते जाऊंगी। तो ये भी एक ट्रिक है जहां आप व्हाइट सीमेंट को कम से कम यूज करके थिन लेयर ऑफ हार्डनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सूखने के बाद इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही मिला है जैसा हमें इस पे पेस्ट लगा के मिलता। तो हल्का फुल्का जो भी रफ टेक्सचर है उस सरफेस पे स्क्रबिंग करके उसे प्लेन कर लूंगी मैं। आउल के फ्रंट पोर्शन पे मुझे थोड़ा रफ फेदरी टेक्सचर देना था, विच आई फॉरगॉट टू डू विथ पेपर मैशे, इसलिए मैं यहाँ ये पर्ल शेप बीड्स पेस्ट कर रही हूँ जो इजीली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इस पोर्शन को प्लेन भी छोड़ सकते हो। अब इस टॉप सेक्शन पे बल्ब होल्डर को अच्छे से स्टेबल करने के लिए 6 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल सेंटर से होल्ड करके इसमें इंसर्ट कर दे और एल्युमिनियम फॉइल रोल से 6.5 सेंटीमीटर लेंथ का ट्यूब कट करके इसी सर्कल के साथ इसे अटैच कर दें। अब इस टॉप सर्कुलर पैनल को क्ले के हेल्प से इस पोर्शन पे फिक्स कर दें ताकि ये नीचे के तरफ स्लिप ना हो पाए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पूरा लैंप का फ्रेम रेडी हो चुका है। अगर आप इसे रस्टिक लुक देना चाहते हैं तो यहाँ आप फर्दर प्रोसेस को स्टॉप करके इसमें केवल बल्ब फिट कर लें। तो यहाँ मैं फिक्स कर रही हूँ ये न्यू कंसेप्ट वाला UFO शेप्ड LED बल्ब। ये स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब की खासियत ये है कि एक तो ये 40 वॉट की अच्छी इंटेंसिटी तक की ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड करता है, और अगर आप इसे सीलिंग पे यूज करते हैं तो इसके चारों पेटल्स को इस तरीके से ओपन करके इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसे अपने इस लैंप के लिए मंगवाए हूँ तो इसके सारे फ्लैप्स को फिलहाल के लिए मैं फोल्ड करके इसे फुटबॉल के तरीके यूज करूंगी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि ये एनर्जी एफिशिएंट है, तो आप इजीली इससे 40 से 50,000 घंटे तक की ब्राइट व्हाइट लाइट का मजा आप उठा सकते हैं। तो इस ऐप की खासियत ये है दोस्तों कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर करते हो तो आप लाइव डेमो चेक कर सकते हो। हर एक प्रोडक्ट्स के शॉर्ट वीडियोज यहाँ इस ऐप पे अवेलेबल हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है तो इस वीडियो से आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस बुलबुल ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे चेक कर सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इनएक्सपेंसिव रेट में आपको इस ऐप से ये प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा।
तो दोस्तों, आप लोगों को ये लैम्प का आइडिया कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस फेस्टिवल पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैम्प कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पिक मेरे से इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा। माई इंस्टा हैंडल इज @crazy_creation। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे और भी ऐसे जीरो बजट वाले लैम्प आइडियाज देखना चाहते हैं तो इस फोल्डर पे क्लिक करना ना भूलें। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर सच क्रिएटिव वीडियोज। टिल देन गाइस, बी हैप्पी एंड क्रिएट व्हाटएवर यू वॉन्ट टू क्रिएट।